गांव खंदराई श्री आनंद बाबा जी का तपस्या स्थल देखिए इस प्रकार से है। ये देखिए जहाँ पर उनके चरण बाबा जी के चरण पड़ेंगे वहाँ पर इस तरह से भक्तों ने फूल डाल करके, क्योंकि आज तपस्या संपन्न डे है, 31 जनवरी 2022 को संपन्न होगा और बिल्कुल दुल्हन की तरह भक्तों ने सजा रखा है। देखिए हम कुछ ही और ये बाबा भोलेनाथ का कलश और बाबा जी सब हाथ बना रखी है और ये इस तरह से फूल डाल करके बहुत बढ़िया तरीके से सजा रखा है भक्तों ने। देखिए फूल लगा करके देखिए इस प्रकार से, क्योंकि भक्तों में बड़ा हर्ष और उल्लास है। देखिए इस प्रकार से सजा रखा है बाबा को, मटकों को देखिए इस प्रकार से सजा रखा है। ये बाबा का घटनास्थल है, देखिए इस प्रकार से। एक मिनट साहिल, तपस्या कब से शुरू की थी बाबा ने? एक तारीख से की थी, एक जनवरी 2022 से करी थी। और कितने मस्के स्टार्ट करी थी? ये जी 11 से स्टार्ट करी थी, रोज के 5 मटके थे। 11 मटके से स्टार्ट करी। और मटके कब भरे जाते हैं पानी के यहाँ? ये 7 के 7 भरे जाते हैं। जैसे आज नहा लिए बाबा जी तो नहाने के बाद भर देते हैं, सुबह 24 घंटे भरे रहते हैं। अच्छा, और नहाने से पहले भक्तों क्या काम होता तुम सब का? हमारा काम ये होता है सुबह बकत से उठना, फ्रेश होना और नहाना धोना होता है। और जब हम बाबा घटना स्थल इस पे आते हैं, तपस्या स्थल पे आते हैं, बाबा जी लास्ट में 108 मस्के से नहाएंगे आज। हाँ, आज पूरे हो चुके ठीक है। आज मेरे ख्याल से पूरी तैयारी, रात से ही तैयारी हम लगे हुए हैं सभी भगत। हाँ जी, तपस्या के बाद आज भंडारा है, हवन है, उसके हवन के बाद भंडारा। भंडारे में क्या प्रसाद बनवाया बाबा जी ने स्पेशल? कड्डी चावल, आलू मटर की सब्जी है, पूरी है। इनके भक्तों का विशेष ध्यान रखा गया है। ठीक है, धन्यवाद भाई। और इस प्रकार से देखिए ये 108 मटके हैं, सभी मेन भक्तों ने फूल लगा रखे हैं। देखिए आप देख रहे होंगे कितनी मेहनत से बनाए होंगे भक्तों ने। और इधर साथ में बाबा आनंद जी ने माता चौहान वाली का स्थान बनाया है, सभी भक्तों के लिए बनाया है।